जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलो दीन बंधु दीना छुपा हुआ है, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला जाए, हमारे बस की बात नहीं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। गांधारी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, मैंने शिव की आराधना की इतने वर्षों तक, मेरी क्या गलती हो गई कि महाभारत युद्ध में मेरे 100 पुत्र जवान मारे गए और पांडवों के 5 पुत्र में से एक भी? क्या कारण रहा? आखिर मेरी क्या गलती रही कि मैं मां बैठी हूं और 100 पुत्रों का शव मैंने, उनके 100 शवों पे मैंने विलाप किया है? तो गांधारी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। जो हम बात कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से वो प्रमाणिक है। कोई भी ब्रह्मा जी भी आ जाए तो उस बात को काट नहीं सकते। यदि आप शास्त्र का अनुशीलन करके शास्त्र की मर्यादा में बोलते हैं तो आपकी बात कोई काट नहीं सकता, और यदि शास्त्र के विपरीत बोलते हैं तो यहां से बोलने का उसको अधिकार ही नहीं है। तो भगवान ने कहा, हे गांधारी, तू बड़ी शिव भक्त है, भक्तिनी है, तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तू पिछले 100 जन्म देख सकती है। कितने? तो गांधारी ने 100 जन्म देखे। तो उसने 100 जन्म देखे तो उसको क्या पता लगा कि हे प्रभु, मैंने अपने 100 जन्मों को फ्लैशबैक किया, यानी मैंने उन 100 जन्मों पे अपनी नजर डाली, लेकिन मुझे अपने 100 जन्मों में भी ऐसा कोई पाप दिखाई नहीं दिया जिसके बदले में मेरे 100 पुत्र मारे जाए। भगवान ने कृपा की, दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब गांधारी को एक और जन्म उसने पीछे देखा, यानी 101वें जन्म पहले गांधारी पुरुष थी। क्या थी? महिला नहीं थी, पुरुष थी, और पुरुष में भी शिकारी थी। महाभारत में कथा आती है, देख लेना। पुरुष में क्या थी? वो शिकारी। वो शिकारी अपनी पत्नी के बीमारी में इलाज के लिए किसी ने उसको बताया कि इसको 100 कछुओं का सेवन 100 दिन में करना है। तो उस शिकारी ने अपनी पत्नी के लिए एक एक करके एक एक दिन में 100 कछुए लेकर के आया और 100 दिन तक एक एक कछुआ अपनी पत्नी को खिलाया। 101 जन्म पहले किया हुआ पाप 101 जन्म बाद में 100 कौरवों के रूप में उसको बलिदान देना पड़ा। तो अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, आपका किया हुआ शुभ का शुभ फल और अशुभ का अशुभ फल मिलेगा ही। आप बच नहीं सकते, आप क्या कोई भी नहीं बच सकता। भीष्म पितामह ने भी पूछा भगवान से कि हे भगवान, मैंने कोई पाप ऐसा नहीं किया कि मुझे सरसैया मिले, बाणों के निकुले बाण उनको लगे। तो उन्होंने भी पूर्व के जन्मों में एक अपराध किया था। भगवान ने बताया दिव्य दृष्टि से कि तुम अपने रथी के साथ, जो सारथी होता है उसके साथ युद्ध के लिए जा रहे थे, वहां पर
रास्ते में कोई एक सांप आ गया तो तुमने अपने तुमने तो नहीं किया वो अपराध, लेकिन तुमने आदेश दिया अपने सारथी को कि तुम इस सांप को लेकर के एक तरफ फेंक दो। तो उस सारथी ने वो सांप लेकर के अपनी छड़ी से एक तरफ फेंका, वो सांप कांटे में जाकर के गिरा। कहाँ गिरा? कांटों में। उसके फलस्वरूप भीष्म पितामह को सरसैया मिली। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, कोई भी हो, भगवान क्या कहते हैं, स्वयं महेश ससुरो नगेश सखा धनेश स्तनयो गणेश तथा भिक्षा टन में शंभो बलि यसी केवल ईश्वरेच्छा। शंकर भगवान देवों के देव कहे जाते हैं, उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि स्वयं महेश, मैं स्वयं महेश हूँ, ससुरो नगेश हिमालय पर्वत मेरा ससुर है, सखा धनेश कुबेर मेरा मित्र है, तथा भी भिक्षा टन में विसंभो तो भी मैं भीख मांग के खाता हूँ। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय विधान ही ऐसा है कि मुझे अलख निरंजन के नाम से जाना जाएगा और मुझे ऐसे ही अपना जीवन, मैं देवों का देव होऊंगा, सब देवता मेरे आगे नतमस्तक होंगे, लेकिन मेरी जीवनचर्या तो अवधूत की ही रहेगी। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये बात ध्यान रखिए। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे, चाहे सृष्टि वो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, दीन बंधु दीना नाथ की। और जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वही फिर वापस बुला रहे हैं, रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में,
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। हर डाल हर पत्ते में समा कर फूल रंग बिरंगे हिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। बालू के मंदिर माई बैठी रही तिरोही रखती है जीवन की अश के दिन की। अब हम बहुत जल्दी बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा, इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं। बालू के मंदिर माई बैठी रही तिरोही रखते है जीवन की अश के दिन की। पल पल छिजत घटत जात घरी घरी बिन सत बेर तहां खबरन छिन की। करते उपाय झूठे लेन देन खान पान मुसाई पे उत फिरे ताकि रहो मिन की। सुंदर कहत मेरी मेरी करी भूले सठ चंचल चपल माया है किन किन। देखिए हम लोगों की स्थिति ऐसी है जैसे एक मिट्टी के घरौंदे में चूहा कैसे रहता है, या चूहे को देख लो अपने घर में ही, कभी अलमारी के ऊपर, कभी कुर्सी पे, कभी मेज के नीचे, खुदा के लगाता रहता है। वो सोचता है मुझे कौन देखने वाला है, लेकिन उस चूहे को पता नहीं उसके ऊपर कोई बिल्ली ताक लगा करके बैठी है। बिल्ली सोचती है मुझे कौन देखता है, लेकिन बिल्ली को पता नहीं उसके ऊपर कोई कुत्ता ताक लगा करके बैठा है। इसलिए हम लोगों की हालत भी उस चूहे की तरह है। हम सोचते हम तो अमरनाथ है, अरे काल रूपी ब्याल यानी सर्प, कोई ठिकाना नहीं है। देखिए देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेने वाला जब लेता है ना लपड़ मार के लेता है। हाँ, जिसका भाग्य साथ देता है तो रेत में हाथ डाले तो सोना निकल जाता है, और जिसका भाग्य साथ नहीं देता तो ऊंट पे बैठा हुआ हो तो भी कुत्ता काट जाता है। समझ में आई कि नहीं आई? ये भाग्य की बात होती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ एक। देखिए ये बात बहुत सारगर्भित है, सत्संग की सारी बातें ही सारगर्भित है। एक लकड़ी की पिटारी में एक सर्प रहते ना, सपेरा लोग जो मिट लाते हैं उसमें, तो वो उसमें था, कैद था। बाहर से एक चूहे ने सोचा, अरे भाई सर्प इसके अंदर कोई खाने की चीज होगी, तो उसने क्या किया, उस लकड़ी की पिटारी को खुरेदना शुरू किया। और सांप ने सोचा कि कोई ना कोई आहट हो रही है, मेरे प्राणों को कोई ना कोई संकट है, तो वो चुप से बैठ गया। लेकिन चूहे ने सोचा भाई आवाज तो इसी में से आई थी, तो वो खुरेदने लगा। तो चूहे को पता नहीं कि इसके अंदर मेरा काल बैठा है। चूहे ने उस पिटारी में गड्ढा किया, अंदर गया, वो तो दाने के लोभ में गया। अब देखो चूहा क्या सोच रहा है, मुझे खाने को कुछ मिलेगा। और सांप ने सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन भगवान ने कृपा की, चूहा उसको खाने को मिल गया और बाहर आने के लिए रास्ता भी मिल गया। इसलिए भाग्य कब क्या कर ले कोई ठिकाना नहीं है। बालू के मंदिर में बैठी रही थी रोई रखते है जीवन की आश के दिन की। हम लोग उस चूहे की तरह है जो ये सोचते हैं कुछ नहीं होने वाला, हमारा क्या बिगड़ने वाला है। अरे भाई हमारा कोई भगवान से एग्रीमेंट थोड़ी है, हमारे कर्मों का बंधन है। जितना रहेगा, जितनी श्वास उसकी कृपा से है, उतना हम रहेंगे। जब हमारा यहाँ का समय पूरा हुआ, हमें भगवान अपने धाम में ले जाएंगे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। ये लाइट है ना जिसके माध्यम से आप मेरा मुंह देख रहे हैं, ये आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं है अपने कि बिना उजाले के ये उजाला देख सके। इन आंखों को उजाला मिलेगा तो ये देख सकती है। आंखों में यदि रोशनी नहीं होगी तो ये आंखें भी किसी काम की नहीं है। गीता का श्लोक कह रहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि आत्मा अजर अमर है।
उसको शस्त्र काट नहीं सकते। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये लाइट की रोशनी है, इसको शस्त्र से काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। फिर का नैनम दहति पावक, इस प्रकाश को आप अग्नि से जला सकते हो क्या? नहीं जला सकते। फिर का जल से गीला कर सकते हो? बिस्तर गीला हो जाएगा, बिस्तर कट जाएगा, लेकिन प्रकाश कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हवा से सूखेगा नहीं, जल से गीला नहीं होगा, शस्त्र से कटेगा नहीं, आग से जलेगा नहीं। यही आत्मा का स्वरूप है, यही भगवान गीता में समझाना चाह रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। और ये जिसको समझ में आ गया वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। चाहे सृष्टि बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर उनकी रंगे हिला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। सब बोलिए ताली बजाते हुए मेरे साथ, उदासीन नहीं होना। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा। ये देखियो आपकी ताली की साक्षी को रिकॉर्डिंग करने के लिए इन्होंने इतना प्रयास किया, इनके लिए ही बजा लो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार, जो पशु हो तो कहाँ वसु मेरु चरो नित नंद की धेनु मजार, आहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर चत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरु करो मिले अलिंदी कूल कदंब की दारण। हरे राम गाइए भगवान का नाम लेना चाहिए, उच्च स्वर में लेना चाहिए, मीठी मीठी ताली के साथ गाइए मेरे साथ, स्वर के साथ स्वर मिलाकर। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। कल कुंडल कांति कबोलन पे बिखरी अलिकावली आघुंघराली, अधरामृत स्वाद समुद्र भरी मुस्कान छटाती ही सुखकारी, करती रहे वृष्टि कृपा सदा करुणा वरुणा, दृष्टि तुम्हारी शशि मंडल सो मुख मंडल ये जिसे देख मनी हम दास तुम्हारे, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ गुंज की माल, करे पहिरोगी ओढ़ी पीतंबर ले प्रकृति बने गोधन द्वारन संग भिरोगी, भाव तो मेरो वही रस खान जो तेरे कहे सब संग करोगी, या मुरली मुरली धर की अध रान धरी अध रान धरोगी। रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। झूठो है झूठो है झूठो सदा, विद्वान व्यक्ति ने लिखा है, दुनिया झूठी है। और पूरी सत्संग के बाद में हमें यही समझना है, और पहले भी यही समझे हुए हैं, मुझे कुछ नया कहना नहीं है और आपको कुछ नया सुनना नहीं है, समझना इतना ही है कि दुनिया झूठी और परमात्मा
सच्चा है और परमात्मा की शरण पकड़ लो तो ये कल्याण होने वाला है। देखो दुनिया को एक बार ही झूठा कह देना चाहिए था, बार बार क्या झूठा कहना, लेकिन संतों ने तीन बार झूठा कहा, यानी एक बात को समझाने के लिए यदि तीन बार बल दिया जाता है तो समझ लो उस बात में विशेष दम है और उस बात में विशेष जोर हमें देना भी चाहिए। झूठो है झूठो है झूठो सदा, जग संत कहंत न अंत लहाए, ताको सहे षट संपत कोटिक काढ़त दंत करंत हहाए, जान पने को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महाए, जान की जीवन जान न जान तो जान कहा जान कहा है, जान कहा वते जान कहा, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, अठो याम उदो हम श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम जी ये श्याम बिन नाही पिए आंधे किसी रात्रि आधार, श्याम गति श्याम मति श्याम ही ये प्राण पति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा दाम, उदो तुम भय गोरे पति लेके आए दोरे, योग कह रखे यहाँ रोम रोम श्याम, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्त वत्सल भगवान की, दीन बंधु दीना।